रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर, किचन विद सना आमिर के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एक कप दूध चाहिए, एक कप पानी, एक कप चीनी, चार ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने और इनके किनारे से चारों किनारे काट लिए हैं। 3 टेबल स्पून यहाँ पर हमें मैदा चाहिए, 2 इलायची क्रश की हुई और 1 चुटकी ज़ाफ़रान। अब सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, उसके लिए 1 कप चीनी डालेंगे पैन में और 1 कप पानी डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखेंगे और इलायची और ज़ाफ़रान भी डाल के हम रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, कि जब तक हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए, बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छे से तोड़ लेंगे। अब डबल रोटी हमारी अच्छे से मैंने इसको तोड़ लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसका आमेजा सा बनाएंगे। ये देखें, एक साथ नहीं हमें मिक्स करना है, वरना हो सकते हैं कि हमारा ज़्यादा बैटर पतला हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको गूंदना है। ये देखें, अच्छे से पूरा मिक्स करें हल्के हाथों से। ये देखें, थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा अमेजा ऐसा हो गया। हमने दूध लिया तो 1 कप था, लेकिन हमारा इसमें से 3 से 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें 1-1 टेबल स्पून करके मैदा मिलाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से हमारा आटे की तरह रेडी हो जाए। अभी हमने 1 टेबल स्पून मिलाया, ये देखें। अब हम ये 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए मैदा इसलिए यूज़ हुआ है कि वरना अगर हम जब चाशनी में डालेंगे तो ये फट सकते हैं, इसलिए इसमें मैदा ऐड किया है। और ये लास्ट थी, लास्ट का हमने मैदा भी इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको गूंद लेते हैं। ये देखें, इधर हमारा शीरा रेडी हो रहा है। अभी इसकी चीनी अच्छे से घुली नहीं है, इसे 5 मिनट हो गए। गुलाब जामुन के शीरे को बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखते हैं और ना बहुत ज़्यादा पतला, दरमियाना रखते हैं। ऑयल, ये देखें, अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बहुत अच्छे से हमारा आटा सिमट गया, बिल्कुल छोटी छोटी लेके बॉल्स बनाएंगे। ये आपके ऊपर है कि बॉल्स आपको कितनी बड़ी बनानी है और कितनी छोटी। ये देखें, ये हो गए। अब हम इस तरह सारी बॉल्स रेडी करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमारी चाशनी जैसी हमें चाहिए थी, हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है और हमें बस ऐसी ही चाशनी चाहिए थी। इसको 8 से 10 मिनट हो गए, बस हम अब इसको साइड में रख देंगे और गुलाब जामुन तलते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने गरम किया। अब हम इसमें ये अपने गुलाब जामुन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इनके आसपास ये झाग बन रहा है, बस हमारा तेल बिल्कुल सही गरम है, ऐसे ही होना चाहिए। ये देखें, इसको हमें यू यू करके घुमाना है ताकि ये हर साइड से अच्छे से बन जाए। ये देखें, जैसा हमें कलर चाहिए था गुलाब जामुन का, वैसा कलर आ गया। अब हम इसे निकालेंगे और डायरेक्ट हम शीरे में डालेंगे। अभी हमने शीरे में डाल दिए और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके और पकाएंगे। ये देखिए, 20 मिनट हो गए, हमने अपनी गुलाब जामुन निकाल के इसको रेडी कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।